नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और नए बाइक के बारे में। दोस्तों बाइक पुराना है, नया नहीं है, नया बोल दिया गया है, लेकिन दोस्तों पुराना बाइक है और कौन सा बाइक है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों बाइक का नाम है हीरो होंडा स्प्लेंडर, आपने नाम सुना होगा। तो स्प्लेंडर का दोस्तों अपग्रेड वर्जन है आई स्मार्ट, ये वैसे NXG है लेकिन आई स्मार्ट अभी नया आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा बाइक है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है, इसके स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, फीचर बताऊँगा, लगभग आपको इसकी सारी जानकारी दे दूँगा। और मेरे पास जो दोस्तों मुझे मॉडल अवेलेबल हुआ है वो 2008 मॉडल है और लगभग कम से कम 15 साल पुराना मॉडल है, तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप एक सेकंड हैंड बाइक लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों एक बार मैं आपको ओवरऑल लुक बता देता हूँ। आपके सामने ये साइड से आप लुक देख लो और फ्रंट से भी आप ये देख लो बाइक कैसा दिखता है। बाइक 2008 मॉडल है और दोस्तों आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी, 15 साल आपको लग नहीं रहे होंगे लेकिन कंडीशन काफ़ी अच्छी रखी है। और दोस्तों पर्सनल मैं चलाता हूँ इसे और आज भी चलाता हूँ, काफ़ी अच्छी चलती है बाइक दोस्तों। और इसका दोस्तों क्रेज ही अलग ही है। आप पूरा लुक एक बार देख लो, पीछे आपको देखो कैसा देखने को मिलता है, वहीं आप साइड से आपको मैंने पूरा बता दिया है। अगर अब अपन यहाँ पर इसके बात करें आपको इसमें कौन कौन से कलर देखने को मिल जाते हैं, तो कलर मैं आपको बताऊं तो एक कलर आपको ये ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको रेड कलर देखने को मिल जाता है, सिल्वर देखने को मिल जाता है और वाइट कलर देखने को मिल जाता है। तो कलर कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छे उस टाइम देखने को मिलते थे और अब जो इसका अपग्रेड वर्जन आ रहा है वो आई स्मार्ट देखने को आ रहा है। तो अब अगर अपन इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन इंजन की बात करेंगे। तो इंजन आपको दोस्तों इसमें 97 cc का देखने को मिल जाता है और अगर अपन इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें तो 7 BHP की आपको पावर देखने को मिल जाती है। वहीं अपन टोक की बात करें तो 8 Nm का आपको टोक देखने को मिल जाता है और माइलेज की अगर बात करें तो 65 KMPL का आपको माइलेज देखने को मिलता है जो स्प्लेंडर का है, और काफ़ी अच्छा माइलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें इसकी राइडिंग रेंज की तो दोस्तों लगभग ये 715 किलोमीटर चल जाती है फुल टंकी में और 90 की इसकी टॉप स्पीड आती है। दोस्तों आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मैं दिखा देता हूँ और इसकी टॉप स्पीड जो दोस्तों है आप 90 तक इसे आराम से चला सकते हो और आपके ऊपर है थोड़ा 95 तक भी चला जाएगा। वहीं अपन गियर बॉक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर जो ये गियर दिखाई देते हैं वो पूरे 4 स्पीड मैनुअल गियर दिखाई देते हैं और ड्राइव चेन टाइप आपको यहाँ पर दिखाई देता है, चेन स्पॉकेट के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वहीं आपको 1 सिलेंडर आता है। बोर की बात तो 50 mm का बोर देखने को मिलता है, स्टॉक आपको 49 mm का बोर देखने को मिल जाता है, स्टॉक देखने को मिल जाता है। और स्पार्क प्लग की बात करें वो दोस्तों आपको साइड में दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ स्पार्क प्लग, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वही कूलिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों आपको कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आपको एयर कूल्ड सिस्टम देखने को मिलता है। वही फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और रिजर्व के अंदर आपको कम से कम 1.5 लीटर तक पेट्रोल आपका पड़ा रहता है। और फ्यूल टाइप आपको इसमें पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। वहीं फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है और हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वही अपन रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलता है और दोनों साइड से आपको एक बार दिखा देता हूँ, इधर से आपने देख लिया हो तो अब आपको इधर भी दिखा देता हूँ। और ब्रेक्स की बात करें तो आपको ये फ्रंट में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिखाई दे रहे होंगे और आपको रियर भी एक बार मैं बता दूँ तो आपको यहाँ पर रियर में भी ये ड्रम ब्रेक आपको दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो ये देख लीजिए आप, नीचे से ये आपको ब्रेक दिख गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे की कि इसका ओवरऑल वेट कितना है। तो 112 kg का ओवरऑल बाइक आपको देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो 785 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर अपन बात करें तो आपको 160 mm का अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। वही व्हील बेस की बात करें तो 1235 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और जो फ्रेम की अगर बात करें इस बाइक की तो आपको ट्यूबलर ड्यूअल क्रैकल फ्रेम आपको देखने को मिल जाती है। वही वारंटी की बात करें तो इंजन की आपको लगभग 5 साल की वारंटी आती है, तो काफ़ी अच्छी वारंटी के देखने को मिलता है। वहीं अपन स्पीडोमीटर की बात करें तो मैं आपको स्पीडोमीटर बताऊं तो एनालॉग ही देखने को मिलता है, और जो अब आई स्मार्ट आ रही है तो उसमें आपको एनालॉग देखने को डिजिटल देखने को मिल जाएगा। तो अपन बैटरी की बात करें तो इस जगह इसकी बैटरी आती है, यहाँ से आपको लॉक खोलना रहता है और यहाँ बैटरी आती है और 12 वोल्ट की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और उस टाइम दोस्तों उसमें क्या होता था कि सेल्फ वगैरह नहीं आता था 2008 में, उसके बाद अपग्रेड कर दिया गया और सेल्फ वगैरह आने लग गया, तो इसमें आपको किक देखने को मिल जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों काफ़ी पुरानी बाइक है लेकिन एक
किक से स्टार्ट हो जाती है, मैं आपको चला के भी बता दूंगा। अगर अब अपन यहाँ पे बात करें इसकी फ्रंट लाइट की, तो फ्रंट आपको हेलोजन देखने को मिलती है, इंडिकेटर आपको हेलोजन देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छे है, मडगार्ड भी आपको काफ़ी मजबूत बॉडी देखने को मिल जाती है, आपको साइड देख सकते हो ये, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है, आपको टैंक और इंजन को बचा देता है ये। वहीं आपको गियर देखने को मिल जाते हैं, सारे गियर यहाँ पे पीछे ही आपको देखने को मिलेंगे और आगे से सारे गियर निकल जाते हैं। आपको साइड फुटरेस्ट और लेडीज़ वगैरह के बैठने के लिए आराम से ये आपको काउल भी देखने को मिल जाता है जो आपको दिख रहा होगा। और बेक लाइट की बात करें तो आपको हेलोजन लाइट और इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और साइलेंसर भी बिल्कुल सीधा साधा सिंपल आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपको इसमें ये कितनी प्राइस में आती थी उस टाइम, तो ये लगभग दोस्तों मैंने जब 2008 में ली थी तो ये लगभग 45,000 की दोस्तों मुझे पड़ी थी। और अगर दोस्तों अब आप सेकंड हैंड इसे लेने की सोच रहे हो तो आपको 20,000 से 25,000 में आराम से देखने को मिल जाएगी, और अगर कंडीशन बेकार है तो आपको 10-15 हज़ार रुपये में भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप सेकंड बाइक लेने की सोच रहे हो तो आप इसे 20-22 हज़ार रुपये में अगर आपको मिल रही है, इंजन की कंडीशन अच्छी है, तो आप इसे ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से इस बाइक को चला सकते हो। काफ़ी अच्छा बाइक है दोस्तों, माइलेज आपको काफ़ी अच्छा दे देगी, सिटी वगैरह में चलाओगे तो काफ़ी कंफर्टेबल, जैसे देख सकते हो मैंने सीट वगैरह भी कंपनी फिटेड लगा रखी है तो काफ़ी अच्छी सीट है। उसके बाद आगे आप सारे कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, छोटे मोटे स्क्रैच होंगे, बाकी गाड़ी काफ़ी कमाल की है। और दोस्तों आपको सेकंड हैंड बाइक लेने से क्या सोचना है कि सेकंड हैंड बाइक लेने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो अगर मैं आपको बताऊं, तो आप टायर वगैरह देख सकते हो, जैसे इसमें मैंने जो टायर लगवा रखा है पीछे वाला टायर आगे लगवा रखा है तो थोड़ा मोटा है। टायर साइज़ भी मैं आपको बताऊं तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे मोटा टायर लगवा रखा है, जो पीछे का टायर था वो मैंने आगे लगवा दिया, ये आपको साइज़ दिखाई दे रहा होगा। और पीछे भी आप सेम देख लीजिए तो आपको यहाँ पे भी टायर साइज़ पूरा दिख रहा होगा, तो काफ़ी बड़ा टायर लगा रखा है। हैंडल थोड़ा भारी चलता है, लेकिन दोस्तों आप हैंडल अगर थोड़ा सा कहीं छोड़ भी देते हो तो भी गाड़ी आपकी काफ़ी अच्छे से चल जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि सेकंड हैंड बाइक अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक आप टायर देख सकते हो, सबसे पहले आप टायर चेक कर लीजिए, टायर ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए क्योंकि इसका लगभग टायर आएगा दोस्तों 1400-1500 का एक टायर आएगा, यानी कम से कम 2500-3000 का आपका खर्चा हो जाएगा टायर टायर में। फिर इंजन की बात करते तो इंजन अगर ज़्यादा काम मांग रहा है, गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, तो आपका कम से कम 3-4 हज़ार, अगर बड़ा काम होगा तो 4-5 हज़ार रुपये भी आपका लग सकता है। उसके बाद छोटा मोटा इंडिकेटर वगैरह तो नहीं जा रहे या फिर कोई और इशू तो नहीं है। और दोस्तों आपको ये देखना है कि गाड़ी दोस्तों जैसे किसी लोन वोन वगैरह किसी ने लोन पे गाड़ी ली हो, ईएमआई पे गाड़ी ली हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। और दोस्तों उसमें क्या होता है कि अगर लोन वगैरह नहीं चुकाए हो या फिर किस्त वगैरह बाकी रह गई हो, तो फिर आपने गाड़ी ले ली तो फिर दोस्तों आपके नाम कराने में, ट्रांसफ़र करवाने में काफ़ी इशू आएगा। तो दोस्तों आपको पहले ये चीज़ देख लेनी है, एनओसी वगैरह ले लेनी है। एनओसी वगैरह से ये रहता है कि आरटीओ में जब नाम करवाने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सामने वाला जो आपका बंदा है जिससे आप बाइक ले रहे हो उससे दोस्तों आपको ये सारे डाउट क्लियर कर लेने, आप कागज़ वगैरह आराम से देख लीजिए, पहले कागज़ देख लीजिए उसके बाद आप डील फाइनल कीजिए, पैसे पहले मत दीजिएगा दोस्तों। बस यही मैं बताने वाला हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।